दोस्तों, मैं हूँ शोभा। शोभा रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज मेरा कढ़ाई पनीर सब्जी खाने का मन कर रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते। कैसे मैं वो भी मैं बनाऊंगी अपने तरीके से। चलिए, सबसे पहले हमने ये 200 ग्राम पनीर लिए थे। इसमें थोड़ा सा नमक और मिर्ची मिला के हम रख दिए। इसको मैरिनेट कर रहे हैं, सिंपल सी मैरिनेट है। फिर उसके बाद आगे का करते हैं हम। ये 2 चम्मच धनिया, साबुत धनिया, और 1 चम्मच हमारा जीरा है साबुत, 2 छोटी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और 2 लाल मिर्च हमारा। इसको हम खड़े मसाले भून लेंगे। कढ़ाई रख लिया, इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे नमक, और इसमें ये जो हमने साबुत मसाला लिया ना, खड़े मसाले, उसके इसमें डाल देते हैं। फिर इसे धीरे धीरे हम रोस्ट कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डालिए तो ज़्यादा डालिएगा, मेरा ये नॉर्मल मिर्ची है तीखी वाली, इसीलिए मैंने 2 ही डाले। हमारा मसाला सिकता है, तब तक हम एक कढ़ाई लेंगे, दूसरी कढ़ाई। ये हमारे मसाले सिक गए, अभी इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे हम। इसे थोड़ा सा हम चारों तरफ फैला देंगे। फिर हमने जो पनीर मैरिनेट करके रखे थे ना, उसको थोड़ा हम शैलो फ्राई कर लेते हैं। ये हमारा पनीर फ्राई हो गया, हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे गोल्डन नहीं करना है। इसी कढ़ाई में हम जो तेल बच रहे हैं, इसमें हम 1 कैप्सिकम डाल देंगे, बेल पेपर डाल देते हैं, हमने प्याज को भी इस तरह स्लाइसेस कर लिया, इसको भी डाल देंगे। हमारे कैप्सिकम, बेल पेपर और प्याज भी हमारे सॉटे हो गया। अभी से हम अलग से बर्तन में निकाल लेते हैं, ज़्यादा बर्तन हम नहीं करेंगे। 2 चम्मच ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, इसमें थोड़े से हम साबुत जीरा डाल देंगे। प्याज हमने बारीक काट लिया, इसको भी डाल देते हैं इसमें। चार पांच करिए लहसुन की, और अदरक हमने ग्रेट करके रखे थे, आप चाहे तो पेस्ट डाल दीजिए। ये हमारा प्याज हो गया, इसको हम ज्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा कम ही फ्राई करते हैं कढ़ाई पनीर में। या थोड़ा सा डाल दिया हम धनिया पाउडर, और बहुत ही कम हल्दी पाउडर, मिर्च में अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, तीखा खाना चाहते तो। हालांकि कढ़ाई पनीर तीखा होता है, इसमें डाल देंगे हम 2 टमाटो प्यूरी। नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि हमारे मसाले में जो साबुत मसाले हैं ना, उसमें भी नमक होगा, और थोड़ा सा पनीर में भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे इसमें। अब इसे हम तेल छोड़ने तक इसको पका लेते हैं टमाटो को। हम डाल देंगे गरम मसाला। हमारा ये मसाला पकता है, तब तक हमें जो साबुत मसाला रोस्ट किए थे ना, उसको थोड़ा हम दर दरा सा पीस लेंगे।
सारे मसाले पक गए, इसमें हल्का हल्का तेल किनारे छोड़ने लगे कढ़ाई के। हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम 2 चम्मच डालेंगे मलाई। मेरे पास क्रीम नहीं है फ्रेंड, क्रीम होने से हम बाद में डालते हैं, लेकिन मलाई है तो मलाई को हम थोड़ा सा पहले ही डालेंगे, जिससे हमारा मलाई थोड़ा सा मसाले के साथ मिक्स हो जाए। ये पूरी तरह से ऐसे ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालो कढ़ाई मलाई या क्रीम, या तो मत डालो, दोनों तरह से ही अच्छे पकते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब हमने जो पनीर फ्राई करके रखे थे ना, वो डाल देते हैं। नमक हमने डाल रखा है, इसीलिए स्वाद आप टेस्ट करके ज़रूर डालिएगा। पाँच मिनट के लिए इसे हम लीड लगा देंगे, जिससे हमारा पनीर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। देखिए हमारी सब्जी बढ़िया से पक गई है, क्योंकि बहुत ही झटपट बनने वाली ये सब्जी है और टेस्टी तो होती ही है। अभी हम इसमें डाल देंगे, हमने जो कैप्सिकम वॉलपेपर रोस्ट करके रखे थे ना, उसे डाल देते हैं। इसको डाल के हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। डाल देंगे जो खड़ा मसाला हमने पीस के रखे थे दरदरा से, उसको डाल देते हैं। पूरा नहीं डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगे तो ज़्यादा डालें। इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है खड़े मसाले की। गया, अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हमारी कढ़ाई पनीर बन के रेडी हो गया, अब इसे हम सर्विंग डिश में डाल देते हैं। आप लोग बहुत ही ज़रूरी है तो बाहर निकले, वरना ना निकले, बी केयरफुल। मेरी रेसिपी देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले कोई नई रेसिपी में, बाय बाय फ्रेंड। हमारी ये रेसिपी बन के रेडी हो गए, बहुत ही टेस्टी बनी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आप इसे पराठे के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कीजिए। मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल में नए तो सब्सक्राइब ज़रूर 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 कीजिएगा फ्रेंड। लॉकडाउन चल रहा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो गए।